खुशकिस्मतूँ के गुरुजी ने आज इतना पावन दिन राखी के पूर्णिमा के और सावन के सोमवार के दिन गुरुजी ने मुझे सत्संग करने का मौका दिया हम कुछ भी नहीं है मेरे से अगर गुरुजी मैं सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो माफ करना गुरुजी से जर्नी तो पता नहीं कब से हम लोग गुरु से जुड़े हुए हैं पर टू में मैं यूएस आई थी और टू में इंडिया गई आने के बाद यहा मैं बीमार हो गई और मुझे नहीं पता मेरा बेटा इंडिया में था उस टाइम वो नहीं आया था मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था 2001 7 जुलाई को मैं इंडिया से आई और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आ, मैं हॉस्पिटलाइज रही एक हफ्ते के बाद ही मेरी तबीयत खराब हो गई आई वाज इन हॉस्पिटल एंड डॉक्टर सेड के आपको क्रॉन्स है इट्स लाइक ए इंफ्लेमेटरी लाइक डिजीज होती है इंटेस्टाइन में तो थर्टी इयर्स से जो डॉक्टर बाइप कर रहा था ही सेट के इनको काफी मतलब ये प्रॉब्लम है और लॉन्ग टर्म इनको दवाई खानी पड़ेगी उस टाइम मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था बेटा इंडिया में था और 2002 दिसंबर में वो गुरुजी के मंदिर गया मेरी बड़ी सिस्टर के साथ मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड उनको लेके गई वो वहां पे मंदिर में बैठा है तो गुरुजी कहते हैं जा तेरी माँ ठीक किता मैं यहाँ थी मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था फिर उसने मुझे 2003 में गुरुजी का स्वरूप भेजा बैसाखी में वो गुरुजी के मंदिर में जाता था और तब मुझे गुरुजी के बारे में ना कुछ पता था ना ही मैं कोई उनको दिल से गुरुजी ऐसे माना था लाइक लेकिन शिवजी की मैं शुरू से पूजा करती हूँ मंदिर जाया करती थी मेरे घर के बिल्कुल पास में मंदिर था और हर मंडे में शिवजी पे जल चढ़ाया करती थी तो उसने मुझे गुरु जी का एक लॉकेट भेजा और एक कैलेंडर भेजा वो मैंने अपने मंदिर में रख लिया लाइक जैसे भगवान की पूजा करते हैं एक रिस्पेक्ट के तौर पे। बाकी मुझे ये नहीं था कि मैंने दिल से उनको गुरु माना धीरे धीरे मेरी तबियत जब ज्यादा बिगड़ने लगी वो दवाई खा के जब क्रॉन्स डायग्नोज हुआ और थर्टी ईयर्स से जिस डॉक्टर ने मेरी बाइप की उसने कहा कि इसको दवाई खानी पड़ेगी तो एक महीना वो दवाई खाने के बाद संगर जी मैं पूरी नहीं खा सकती नींद में भी उठ के मुझे बाथरूम जाना पड़ता था इट्स लाइक ए कोई पॉकेट जैसे फट जाती है ना ऊपर से डालो नीचे से निकलता है लाइक like दैट ये हालत थी मेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट और उधर से गुरुजी ने इंडिया में बेटे को मंदिर जाने पर कह दिया था कि तेरी मानू ठीक कर देता और चार छ महीने में एक एक डेढ़ महीना ही दवाई खाने के बाद मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई दोबारा हॉस्पिटलाइज हुई तो डॉक्टर कहता है कि इसको तो क्रॉन्स है ही नहीं और डॉक्टर का शौक के ये क्या हुआ कि जो थर्टी ईयर्स से डॉक्टर बायोप्सी कर रहा था वो कहता है कि इसको ये बीमारी है और एक डेढ़ दो महीने के बाद ही सर के क्रॉन्स है ही नहीं इसको तो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन था और पंद्रह दिन की दवाई देने के बाद उन्होंने मुझे लाइक बोला कि आप ठीक हो जाओगे और मैंने सब नॉर्मल खाना खाना शुरू कर दिया तब तक भी मुझे मैंने कोई गुरु जी का शुक्राना नहीं किया मुझे नहीं पता कि मैं ठीक मैंने कहा ठीक हो गई बेटा मेरा फिर गुरु जी ने मेरे बेटे को भी इंडिया से यहां भेज दिया उन्होंने इतने बड़े बड़े मंदिर में वो जाया करता था इतने बड़े बड़े दो लड्डू उसको तो खिलाए और उन्होंने बोला कि जा तू हम मां को चला जाएगा 2003 में वो आ गया फिर आके वो मुझे गुरुजी के बारे में बताता था मम्मा देखो गुरुजी ऐसे चार लोग लंगर खाते थे यहाँ पे हम लोग स्टेट जाते थे गुरुजी ऐसे बैठते थे गुरुजी ये करते थे मैं बड़े प्यार से सुनती थी गुरु फिर मुझे धीरे धीरे उन उनपे विश्वास आने लगा और मुझे समझ आया कि मेरी ये बीमारी ठीक करने का मैं मेरी और सिस्टर और मैंने बात की ओह गुरु जी ने ही ब्लेस किया था इसीलिए मैं इस बीमारी से मुक्त हुई गुरु जी की ही कृपा थी वो Like 2003 से शुरू हुई, न्यूयॉर्क में एक अंकल थे उनके यहाँ बेटा कहने लगा कि मम्मा अभी आप ठीक नहीं हो तो हम इंडिया नहीं जा सकते यूएस में एक गुरु जी का दरबार बना हुआ है वो वहां पे सत्संग होता है तो पहला सत्संग मैंने न्यूयॉर्क में अटेंड किया टू थाउजेंड फाइव में एक बहुत छोटा सा उन्होंने एटिक के अंदर मंदिर बनाया हुआ था वहां को को न्यू ईयर की नाइट को हमने बैठ के सत्संग किया डांस किया और गुरु जी का लंगर खाया तो बहुत ही अच्छा लगा ऐसे लगा कि हम गुरु जी के बड़े मंदिर आ गए उसके बाद गुरु जी को मानना शुरू किया और मैंने धीरे धीरे घर में पूर्णिमा गुरु जी के बर्थडे पे और लाइक गुरु पूर्णिमा पे सत्संग करना शुरू किया गुरुजी की कृपा से गुरु जी ने टू थाउजेंड लेके आए थे, तो था। ले थे और पांच साल के अंदर अंदर गुरु ने की ब्लेसिंग से हमें इतना बड़ा घर मिल गया बेटा भी यहाँ आ गया फिर मैंने सत्संग शुरू क... ऐसे नहीं कि मैंने मंथली सत्संग शुरू किया सिर्फ गुरुजी के बर्थडे पे और गुरु पूर्णिमा पे किया उसके बाद इंडिया से एक दिन मेरे पास फोन आता है रमा आंटी का कि कि आंटी आप सत्संग क्यों नहीं करते मैंने बड़ी घबराहट होती थी गुरुजी का सोच भी नहीं सकते कि कैसे गुरु जी का सत्संग शुरू करोगे फिर मैंने कहा अच्छा आंटी मैं सोचती हूँ टू थाउजेंड सिक्स फिर मेरे ब्रदर इन लॉ आए और इन बिटवीन हमें मिलना हुआ इनसे उषा आंटी की बेटी की शादी के लिए कार्ड आया वो भी मैं उनको जानती नहीं थी कोई सीधा उनके थ्रू कार्ड नहीं आया

और वो चोपड़ा अंकल जिनके घर हमने सत्संग अटेंड किया था उनके घर भी गए और लाइक कहा से उषा आंटी की बेटी की शादी का कार्ड उनके थ्रू अंकल के पास आया और अंकल के थ्रू मेरे पास आ गया और हमने मैं उषा आंटी को नहीं जानती थी मैंने उनको फोन किया कि आंटी उन्होंने बोला हाँ आपका वेलकम है शादी में हम लोग मेरा बेटा मेरी बेटी हम लोग सारे गए गुरप्रीत आंटी हम लोगों ने इतना एंजॉय किया संगत जी वो शादी हम आज तक नहीं भूलते कि गुरुजी ने कैसे कहाँ कहाँ से लोग एक दूसरे को नहीं जानते मेरी बेटी ने वहां पे डांस परफॉर्मेंस भी की और हम सब इकट्ठे एक, एक घर में रहे उन्होंने हमारा रहने का अरेंजमेंट अपने एक फ्रेंड के घर किया और वो लोग भी बहुत अच्छे थे एक वीक के लिए हम रहे वहाँ पे। वहां हमने गुरु का सत्संग भी विशांति ने किया गुरु के बारे में बताया वहां मुझे गुरु की फ्रेगनेंस भी आई फिर 2008 में मेरे बेटे की गुरुजी ने बेटे को ब्लेस किया मेरे बेटे की शादी हुई शिकागो में और संगत जी कैन यू बिलीव के लाइक like, कोई मेरा फैमिली मेंबर नहीं आया इवन मेरे पेरेंट्स मेरी सिस्टर कोई भी नहीं आया सारा संगत परिवार जो था उषा आंटी आई फ्लोरिडा से गुरप्रीत आंटी आई न्यूयॉर्क से शशि भावना अंकल सब गुरु परिवार के लोग भाई बहन मामा चाचा सब उनकी मिलनी हुई यही हमारा असली परिवार है संगत जी गुरु परिवार ही हमारा परिवार है हमारे माँ बाप बहन भाई ये हमने अपनी मर्जी से लाइक like उन्होंने हमें हमें पैदा किया है पेरेंट्स ने उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने बहन भाई हमने अपनी पसंद हमने अपनी मर्जी से नहीं किए लेकिन गुरु परिवार गुरु जी ने बड़े प्यार से जोड़ जोड़ के कहाँ से संगत को मिलाया है हम नहीं जानते सारी संगत आई संगत की मिलनी हुई और इतनी अच्छी ब्लेस्ड वेडिंग थी गुरु जी की इतनी कृपा थी कि जिस दिन हम संगीत का प्रोग्राम था घर में आए और रात को जब आए तो घर में घंटियों की आवाज आ रही थी और बजे बजे मैं उठ के बैठ गई और मैंने कहा मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे गुरु जी के मंदिर की घंटियां बज रही हैं घर में इंडिया से एक फोन आता है कि गुरु जी उस टाइम मेरे बाल काफी शॉर्ट थे तो एक संगत किसी का फोन आता है रैंडम मुझे नहीं पता कि गुरु जी ना एक परकटी आंटी के घर शिकागो गए आई वाज सो हैपी मेरे पास जमीन पे नहीं थे कि गुरुजी साक्षात दर्शन देते थे और बीमार होने के बाद से जब मैं ठीक थोड़ी-थोड़ी ठीक हो रही थी तो पीछे जाती हूँ उस टाइम मैं पूरा टाइम गुरुजी के लाइक मेरा ऐसे घर के पर आइलैंड के ऊपर सब गुरुजी के स्वरूप लगा के सारा टाइम ज्योत जला के गुरुजी के मंत्र जाप और लाइक सुनती रहती थी सत्संग सुनती थी और उसमें इतने सुंदर ओम दर्शन होते थे इतने सुंदर संगत जी के मेरे ब्रदर लो एक बार आए जो मेरी नीरू आंटी सिस्टर है वो मानते नहीं है उसने भी बताया है वो आए और आके कहते हैं देख देख नीरू कितना सुंदर ओम बना हुआ है और उस टाइम तो ये लगता था कि ओम दर्शन होना लाइक चांद में देते थे। और लगता था, कुछ भी नहीं है टू में जब गुरु ने समाधि ली थी दो दिन पहले मेरी सिस्टर का मे ट्वेंट ट्वेंटी एट को फोन आता है कि गुरुजी के लिए प्रे करो मैंने कहा क्या हुआ गुरुजी को कहते ठीक नहीं है गुरुजी मैंने कहा मैं मन में मन कह रही हूं, गुरु गुरुजी मुझे कुछ हो जाए और हमारे प्यारे गुरुजी ठीक हो जाएं और संगत जी आप मानोगे उस रात मुझे इतना तेज फीवर आया लाइक आई वाज दो ब्लैंकेट डालने के बाद में भी मैं ऐसे लग रहा था शिवरिंग लाइक मेरे हस्बैंड ने दो मेरे ऊपर कम्फर्टर डाल दिए और मई जून में काफी गर्मी होती है यूएस में और ए चल रहे हैं लेकिन मैं कांप रही थी जैसे फोर डिग्री मुझे फीवर आया और वो एक ही दिन में वो गायब हो गया नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मेरा फीवर बिल्कुल ठीक हो गया और गुरु जी की मर्जी थी क्या था और दो दिन बाद पता चलता है कि महान समाधि ले लिया हमारे प्यारे गुरु जी ने चोला छोड़ा तो ऐसे लगा सारी दुनिया चली गई जैसे सब कुछ था परिवार भरा पूरा लेकिन मैंने तो उनको देखा भी नहीं था लेकिन गुरु जी का प्यार इतना था इतनी ब्लेस तब तक इतना प्यार हो गया था उनसे कि लगा कि सारी दुनिया ही लुट गई है गुरु जी चले गए मैंने अपने बेटे को कहा उसका निकने मिठू गौरव अंकल जिसने मुझे गुरुजी से जोड़ा था मैंने कहा मिठू गुरुजी नहीं रहे He said, क्या मैंने कहा हाँ मुझे ऐसे लगा कि क्या जैसे सब कुछ खत्म हो गया ऐसे हो गया था धीरे धीरे फिर मन को संगत से मिलके शांति आने लगी शांति से मिले दूसरे लोगों से मिले फिर बेटे की शादी गुरुजी ने कराई उसके बाद गुरुजी ने तो एक मेरा ग्रैंड चाइल्ड लाइक सन ब्लेस किया उसको 2014 में गुरुजी ने फिर बेटी की शादी बेटी थी यहाँ पे उसकी शादी कराई वो भी कैसे ब्लेस किया गुरुजी ने एक यहाँ पे अंकल कनाडा में हैं और एक वर्जीनिया में एक फैमिली है वो भी मेरी बेटी की सिस्टर इन लॉ जो हैं वो गुरुजी को मानती थी वो हमें न्यूयॉर्क के एक बार संगत में बैठी हुई थी और हम लोग भी वहां पे थे और उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने अपना शादी का कार्ड हमें दिया और हम लोग वर्जीनिया शादी में आए उनके जो मेरा सन इन लॉ इस टाइम है उनके बड़े भाई की शादी में हम आए उस टाइम सोच भी नहीं सकते थे और जैसे मेरा सन इन लॉ लाइक मेरे वो उस टाइम डांस करके स्पीच दे रहा था मन में एक हर मां के ख्याल आता है कि ये बच्चा अच्छा है मेरी बेटी की भी शायद इससे अगर शादी हो जाए मुझे ये नहीं पता था कि वो अतुल का छोटा भाई है या क्या है आ गए हम लोग शादी अटेंड करके उस बच्चे को भी नहीं पता क्योंकि उनके यहाँ हजार लोग इतने लोग आए हुए थे सत्संग के लिए सॉरी सत्संग शादी में शादी अटेंड करने के लिए हम लोग वापस शिकागो चले गए कनाडा से मेरे पास एक अंकल का फोन आता है और वो कहते हैं सुमन आंटी आप ना अतुल अंकल के जो अतुल के छोटे भाई के लिए गरिमा की बात क्यों नहीं करते मैंने कहा अंकल कैसी बात कर रहे हो कहा वो लोग कहा हम मैं सोच भी नहीं सकती क्योंकि वो यहाँ मेरा सनी लो यहाँ हुआ है बट ही इज वेरी डाउन टू अर्थ गुरुजी उसको इतना ब्लेस करे सारे दुनिया के बच्चों को ऐसा जैसा बच्चा मैं सोच भी नहीं सकती जो गुरु ने ढूंढ के दिया है। मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई थी उसने एक्सेप्ट की वो तो मैं, मेरी थोड़ी सी हिम्मत बंधी और मैंने कहा मैं अतुल को जानती हूँ तो मैंने उसको फोन किया और मैंने बोला बेटा आप नितुल की शादी के बारे में आपने कुछ सोचा है आंटी वो किसी अपने उनका जो भाई है वो किसी और गुरु को मानता था कोई उनके नेपाली गुरु थे आंटी अभी ना हमारे गुरु ने मना किया है अभी एक साल उसकी शादी के लिए नहीं सोच सकते वही बात खत्म हो गई संगत जी थोड़े टाइम के बाद फिर वो न्यू जर्सी संगत में जब उसकी नि, नितुल की मेरे सन इन लॉ की भाभी एक बार उसको लेके गई तो वहां पे संगत में बैठे हैं वो और एक अंकल फिर दोबारा से बात एक अंकल ने बोला कि आप इसकी शादी के बारे में कुछ सोच रहे हैं उनके बड़े भाई को बोला वो कह तो कहने लगे एक फैमिली है वो कहते कौन वो शिकागो वाली सुमन आंटी तो सेट के हाँ फिर दोबारा से बात शुरू हुई और देखो गुरुजी ने सत्संग परिवार के थ्रू ही कराना था और उसने बोला ठीक है अतुल का मेरे पास फोन आता है कि आंटी मैं गरिमा का नंबर मुझे दे दीजिए तो मैं अपने भाई को दे दू मैंने कहा हाँ बेटा और संगत जी आप मानोगे नहीं छह महीने सिर्फ इस बच्ची ने छह महीने से भी कम मेरे सने लॉ और गरिमा मेरी गरिमा आंटी ने बात की होगी क्योंकि इतने लॉन्ग डिस्टेंस आप मिल तो सकते नहीं है हम शिकागो में और ये वर्जीनिया में और बिल्कुल नॉर्मल बात करते थे कोई ये नहीं था कि हाँ लव मैरिज है लाइक ये कोई भी सुन सकता है ये घूम घूम के वो ऑफिस से जाते हुए इससे बातें करता था और 6 महीने के बाद उसकी मम्मी का फोन आता है कि हमें गरिमा का रिश्ता चाहिए तो ये कौन कर सकता है कौन हम सोच भी नहीं सकते संगत जी सपने में भी मैं नहीं सोच सकती थी कि इतना अच्छा लड़का गुरु जी दिलाएंगे उनकी इतनी ब्लेसिंग है इतनी है कि वो झोलियाँ भर भर के देते हैं और हम लोग उसको समझ नहीं पाते गुरु जी देते नहीं थकते गुरु जी ने 2014 में फिर उसकी शादी कराई उसके बाद 2015 में मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी और उसका मिस हो गया उसके बाद वो इतनी अपसेट हो गई कि कहा क्या हुआ मैंने कहा मेरा कभी गुरुजी से विश्वास तो टूट ही नहीं सकता था अब तो और आफ्टर सिक्स सेवन मंथ अगेन शिवाज प्रेगनेंट और इन बिटवीन वो उसको इतना डिप्रेशन आ गया कि मुझे उसको अपने पास शिकागो ले जाना पड़ा वहां भी ठीक नहीं हुई फिर मैं वर्जीनिया आई और एक दिन मैं उसके साथ गुरु जी के नाग के दर्शन के बारे में बताती हूँ उसको एक ट्रेल पे लेके वॉक कर रही थी आफ्टरनून का टाइम था गर्मियों के दिन थे और हम ट्रेल से जा रहे हैं और ऐसे पैर रखते हैं तो ना दो नाग का जोड़ा ऐसे हमें दर्शन देता है ऐसे करके और नेक्स्ट डे हमें सत्संग में जाना था हम उस सत्संग में गए तो गुरु जी ने उसी नाग देवता के रूप में ही अपने चोले में दर्शन दिए दो नाग का जोड़ा हम वहां से जैसे ट्रेल के ऊपर से निकलते थे तो ऐसे बीच में गुरु जी ने ये दो नाग क्यों दिखाए और शाम को उन्होंने अपने चोले में दर्शन दिए तो हम तो नादान है हम बड़े खुश थे कि देखो गुरु जी ने दिखा दिया कि मैं ही था और उन्होंने सेम वही ना, दो नाग के जोड़े में उन्होंने दर्शन दिए और गुरुजी ने 2016 में फिर उसको ब्लेस किया एक बेटा दिया अगेन दो साल के बाद गुरुजी ने एक और बेटा दिया तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी उन्होंने वो नाग का जोड़ा दिखा के दो बेटे ब्लेस कर दिए वो हमें बाद में पता चलता है गुरुजी के ढंग इतने निराले हैं संगत जी इतना ब्लेस करते हैं वो पल-पल हमारे साथ हैं पर हम उनको जान, जान नहीं सके और ना ही जान पाएंगे शुक्राना करते-करते हम जितना भी कर सके उतना कम है आज दो बेटे हैं उसके अभी मैं उसी के पास उसके बच्चों के लिए गुरुजी ने मेरी जो सेवा बख्शी हुई है वो बच्चे मेरे साथ इतने खुश हैं जय गुरुजी जय गुरुजी करते हैं और जब तक वो छोटा आरती नहीं कर लेता वो चैन नहीं करता सो उसको बोलना अभी नहीं आता पटाके वो ज्योत के लिए जैसे ही मैं ज्योत जलाने लगती हूं आके खड़ा हो जाता है करके के, के जय जै करो जैसे ही आपकी खत्म होती है मैं बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी तो वो मेरी गोदी से उतर के नीचे चला जाता है तो गुरुजी के इतने इतने लाइक सत्संग तो हर दिन एक सत्संग है अभी थोड़े दिन पहले मेरे को मेरे थम में यहाँ तीन चार महीने पहले इतनी स्वेलिंग हो गई कि मेरा थम बिल्कुल ऐसे लगता था कि चलेगा नहीं इतना दर्द था इतना दर्द था और एक दिन तो इतना पेन था कि लाइक मेरा जो ये अंगूठा होता है ये इस नेल के अंदर इतना दर्द था मैं सुबह उठी तो मैंने बेटी को कहा मुझे बहुत दर्द है शी सेड मामा मैं डॉक्टर अपॉइंटमेंट आपकी ले देती हूं। मैंने मैंने कहा नहीं गुरु जी का लंगर लाइक प्रसाद बनाया और संगत जी उससे मैंने सिकाई की आप मानोगे नहीं संगत जी उसमें इतनी ब्लेसिंग थी कि मेरा वो दर्द कहा आधे घंटे के बाद मुझे नहीं पता मेरा वो पेन कहाँ चला गया और अब ये धीरे धीरे मेरे अंगूठे की स्वेलिंग भी बिल्कुल जा रही है मैं सिर्फ गुरु जी का जल प्रसाद लगाती हूँ उठ के सुबह गुरु जी के जल प्रसाद में गुरु जी के चाय में गुरु जी के लंगर में इतनी इतनी ब्लेसिंग है कण कण के अंदर हमें उसको झूठा नहीं छोड़ना चाहिए पूरा खाना चाहिए गुरु जी हमेशा ये कहते थे कि अगर मेरे मंदिर में खाओगे या मेरे सत्संग में खाओगे तो वो प्रसाद है अगर बाहर जाके खाओगे तो वो मिठाई बन जाएगी इसलिए हमें जब लंगर में जो भी मिलता है अगर कई बार हमें दो चपाती प्रसाद मिल जाती है दो बार चाय मिल जाती है

और बरखांटी ने बोला और गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया आज यहाँ के उनके सामने उनकी महिमा का गुणगान करने का कि मैं बोल सकूं हम इस लायक नहीं है कि हम कुछ भी बोल सके लेकिन गुरु जी जो बुलवाते हैं वही हम बोल पाते हैं उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है कण कण में गुरु जी है हर चीज में गुरु जी हैं हर इंसान में गुरु जी हैं इसलिए किसी का दिल भी दुखाएंगे तो हम गुरु जी का दिल दुखाएंगे और हमें गुरु जी के लिए भी प्रे करनी चाहिए कि हमारे प्यारे गुरु जी आप जहां भी जिस रूप में भी हो आप मानोगे एक और छोटा था और उस दिन संगत जी दस हजार लोग आए वहान यज्ञ ये सब हुए और मैं जाके सिर्फ वहां पे चली गई कि मंदिर है घर के पास में और ढूंढ रही हूँ कि गुरु जी कोई नजरें इधर उधर ऐसे जैसे बामरे होते हैं देख गुरुजी आप अपनी प्रेजेंट दिखाओ संगत जी हर एक बंदे को दस हजार लोगों में एक-एक रोज दिया जा रहा था क्योंकि हजारों फ्लावर आए थे वहां पे इतनी संगत में और जब मेरी बारी आई तो पूरा का पूरा भूखे गुरुजी ने रोजे का ऐसे दे दिया कि ऐसे भर के और मेरे साथ मेरी सिस्टर मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ और वो मेरी शक्ल देखने लगे कि तेरे को सुमन इतने सारे कैसे मिल गए एक 10000 लोगों में सबको एक-एक फूल दे रहे थे पर गुरुजी तो इतने प्यारे हैं उन्होंने दिखा दिया रोज़े रोजेस गुरुजी को अच्छे लगते हैं मुझे भी फूल संगत जी बहुत अच्छे लगते हैं और दिल करता है कि गुरुजी का दरबार फूलों से सजा हो पूरा का पूरा गुलदस्ता लेके आई वाज सो हैप्पी एंड आई सेड थैंक यू गुरुजी आपने दिखा दिया आप हर जगह हो हर जगह मेरे को गुरुजी के दर्शन गुरु जी के जैसे मुझे नंबर के थ्रू गुरु जी के मैसेज आते हैं मैं सेवन नंबर ढूंढती रहती हूँ गाड़ियों के पीछे हर चीज के पीछे टोटल करती रहती हूँ वो देखो आप आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी है आप मैथ कंपटीशन में चली जाओ कितने भी बड़े नंबर होते हैं जैसे ही मैं मेरे मन में कुछ भी ख्याल आता है गुरु जी का सेवन नंबर आ जाता है और अभी तीन चार दिन पहले की बात है अभी म्यूजिक का प्रोग्राम चल रहा था रेखा आंटी उषा आंटी सब सुन रहे थे हम लोग सारे जूम पे मैं नीचे वॉक करने के लिए गई पहले लास्ट वीक गई तो एक येलो एंड ब्लैक बटरफ्लाई में गुरुजी ने दर्शन दिए तो आई वाज मैं मंत्र जाप ही कर रही थी और वो बटरफ्लाई इट्स लाइक डांसिंग कि मैं मंत्र जाप कर रही हूँ वो ऐसे ऐसे हिल रही है एक जगह से एक फूल से दूसरे फूल पे और अभी तीन दिन पहले जब दोबारा मैं गई वॉक के लिए तो मैं, मेरा थोड़ा सा मूड खराब था और वहां पे बटरफ्लाई सोच भी नहीं सकते क्लाउड्स थे और जैसे ही मैं नीचे उतरी चार पांच महीने से इस टाइम सब कुछ बंद है लाइव बैंड चल रहा था वही बटरफ्लाई मुझे ब्लैक और येलो में दोबारा से गुरु जी ने दर्शन दिए और लाइक शी अगेन आई स्टार्ट लाइक डांसिंग एंड उसके बाद वो म्यूजिक का प्रोग्राम शुरू हो गया और साथ में मैं गा रही हूँ और गुरु जी को याद करके गुरु जी ने इतना मस्त माहौल बना दिया लाइक वो ऐसे करते हैं ऐश भी कराते हैं गुरु जी कहते हैं ऐश भी करो वो ये नहीं कहते हैं वो वो है तो अपने, अपने बच्चों का झगड़ा फैमिली फैमिली करके या बच्चा छोड़ के अधूरे काम छोड़ के मेरे को ना होते कोई ब्लेसिंग नहीं है अगर हम अपने घर की फैमिली की सब चीजें छोड़ के गुरु जी के पास हस्बैंड से लड़के जाते हैं तो वो हमारा कोई फायदा नहीं है गुरु जी उसमें खुश नहीं होते उनका परिवार खुश है उनकी फैमिली खुश है तो हमारे गुरु जी बहुत खुश है इसलिए हमें प्रे गुरु जी के लिए प्रे करें कि आप जहाँ भी हो जिस रूप में गुरु जी तो कहीं गए नहीं कभी बच्चे के रूप में आके बैठ जाते हैं कभी किसी रूप में दिख जाते हैं कहीं किसी रूप में बट हमें उनके लिए भी ये कहना चाहिए कि गुरु जी आप कैसे हो गुरु जी आप अपनी संगत को इतना प्यार करते हो हमें भी गुरु को इतना प्यार करना चाहिए कि वो दोबारा से आके हमारे सामने आके बैठ जाए अपनी गद्दी पे दोबारा से हमारे गुरु जी आ जाए और सारी संगत एक फिर से जैसे लॉकडाउन के टाइम में जो ये चल रहा है जो कोविड से परेशान है लोग उन पे भी गुरु जी ब्लेस करे डॉक्टर्स के लिए फ्रंट लाइन के वर्कर्स के लिए सबके लिए स्पेशल प्रेयर है गुरु जी सबको ब्लेस करें थैंक यू गुरु जी शुक्राना गुरु जी आपका सत्संग शेयर करने के लिए